हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है एक नोटिफिकेशन बेल के आइकन को एनिमेट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। आप इसको नोटिफिकेशन बेल का आइकन बोल सकते हैं, रिंगिंग बेल भी हम लोग जो इसको बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन स्टार्ट कर लेते हैं और जो इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक न्यू कंपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, हमको अपने इलस्ट्रेटर को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इलस्ट्रेटर को जो है इलस्ट्रेटर में डिजाइन करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें दो लेयर्स हैं इसलिए मैं यहाँ पे इसको जो है रिटेन लेयर साइजिस करके इसको जो है यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया है। यहाँ पे आपको दोनों लेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोनों लेयर्स को क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर में। सो ये एक बेल का आइकन यहाँ पे आ गया है, बट अभी ये क्या है कि मेरे सीक्वेंस का कुछ थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे एस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे स्केलिंग आ जाएगा और मैं इसको जो है यहाँ पे 50% कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, और दोबारा से एस प्रेस करेंगे तो यहाँ से स्केलिंग जो है गायब हो जाएगा। अब जो इसका बेल का जो पोर्शन है ये यहाँ पे है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं पोजिशन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको जो है यहाँ पे थोड़ा नीचे ले आता हूँ जहाँ पे भी मुझे ये चाहिए, लाइक कुछ इस तरह से। दोबारा से भी प्रेस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो देखिए आपकी बेल यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे आ गई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले को इससे जो है पिक वीप से जो है मैप करा देंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है इसको इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको चेंज करके हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ से कर देंगे, ताकि जब वो मूव करे तो इसका सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार जो है नीचे वाले का जो पोर्शन है उसका भी सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले लेयर के ऊपर में चलेंगे, आर प्रेस करेंगे, रोटेशन आ जाएगा। तो अपने जो है टाइमर को बिगिनिंग में लेके आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम जनरेट कर देना है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है 1 सेकंड पे चलेंगे और इसकी फ्रेम को यहाँ पे हम लोग जो है कर देंगे 10 कुछ इस तरीके से। तो देखिए आपकी बेल जो है वो मूव हो गई है उस साइड में। फिर क्या करेंगे, 1 सेकंड और चलेंगे और अब जो है इसको जो हमने 10 किया है उसको जो है हम लोग कर देंगे यहाँ पे -10। तो ये क्या करेगा, तो कुछ इस तरीके से अब मूव करेगा। अब इसको कंटिन्यूसली मूव कराने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं दोनों को और जो इसको 3 पे जाएंगे यहाँ पे और इसको जो पेस्ट कर देंगे, और फिर से एक बार इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, 5 पे जाते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो अगर आप देखेंगे तो आपकी बेल इस तरीके से मूव करेगी। आप चाहें फास्टली मूव कराना है तो आप लोग जो इसको की फ्रेम को छोटा कर सकते हैं, मैंने जस्ट 1 सेकेंड के लिए रखा, और स्मूथली मूव कराने के लिए इसको जो है यहाँ पे जो है F9 प्रेस करेंगे या जो है की फ्रेम असिस्टेंट में जाकर के यहाँ पे इजीज कर देंगे। तो देखिए आपका इफेक्ट यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा हल्का मूव कराया है, आपको थोड़ा फास्टली मूव कराना है तो आप इसको जो है फास्टली भी मूव यहाँ पे करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन जो है इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं इजीली, कोई थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में ही की फ्रेम जनरेट करके हम लोग जो है इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं।